अध्यक्ष पुलिस अव निरीक्षक पुष्पांजलि कुमारी जिला जहानाबाद, पुलिस अव निरीक्षक कंचन कुमारी जिला मधेपुरा, पुलिस अव निरीक्षक अमित कुमार जिला मोतिहारी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। देखिए, गांधी मैदान में आज तक आपने बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, लेकिन नौकरी वाली रैली आपने देखी है कभी? हम दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे हजारों की संख्या में 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जिसमें से 8,000 की संख्या में सिपाही हैं, वहीं 2,200 की संख्या में सब इंस्पेक्टरों की बहाली जो हुई उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बड़ी संख्या में आज जो यहाँ पर चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो, पुरुष कर्मी हो, सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में काफ़ी भव्य तैयारी की गई है, घुड़सवार भी मौजूद हैं पुलिसकर्मी। तो ऐसे में ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में जो वादा किया गया था लोगों को नौकरी देने का, रोजगार देने का, आप देख रहे होंगे हर विभाग में बड़ी संख्या में बहालियाँ जो है वो निकाली जा रही हैं और सभी विभागों में नियुक्ति पत्र देने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम गांधी मैदान में मौजूद हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद हैं और सभी मिलकर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। देखिए तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। आपने आज तक सिर्फ सुना होगा कि रैली होती है बड़ी बड़ी गांधी मैदान में, लेकिन ये नौकरी वाली रैली है। बड़ी संख्या में जो महिला और पुलिस, जो पुलिसकर्मी है, सब इंस्पेक्टर है, सिपाही है, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। सबके सपने साकार हुए हैं, सबके चेहरे पर खुशी है। महिला पुलिस भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में महिलाओं को जब सामने आरक्षण दिया, उनकी भी भागीदारी पुलिस में सुनिश्चित की, तो काफ़ी ये अच्छा माहौल है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सभी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये एक सुंदर तस्वीर जो है आपको पटना के गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा माहौल, काफ़ी अच्छा माहौल, आप समझ सकते हैं लोगों को जब नौकरी मिल रही है कितना अच्छा लग रहा है, सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सभी में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 10,459 पुलिसकर्मियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से। तमाम जितने गृह विभाग के अधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, मुख्य सचिव बिहार के आमिर सुबहानी मौजूद हैं, उन सभी की मौजूदगी में यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का जब आयोजन हुआ, मंच की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जो है सभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम जितने पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। महागठबंधन की सरकार ने जो वादा किया था 20 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देने का, इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन के पश्चात ये वादा किया था, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो निकल के आ रही है। उस वादे को कैसे पूरा किया जा रहा है इस महागठबंधन सरकार में, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो निकल के आ रही है। आप समझ सकते होंगे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम जो है इतने बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में, इससे पहले क्या आज की जो युवा पीढ़ी है उसने कभी देखा था? लेकिन अब देखने का मौका मिल रहा है। 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा माहौल है। बिहार की बेटियां जब पुलिस में भर्ती हो रही हैं तो आज के माहौल को आप देख कर समझ सकते होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।